तहलका मचाने आ रहा है होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानिए कब होगा लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, बता दें यहाँ पे तहलका मचाने आ चुका है, होंडा का एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहा है, जहाँ पे दोस्तों सभी कंपनियों को टक्कर देने के लिए आ रही है। आइए सब कुछ डिटेल जानते हैं, कब तक लॉन्च होगा, क्या इसका प्राइस है, सरकार कितना सब्सिडी दे रही है, फुल चार्ज करने के बाद कितना किलोमीटर चलेगा, सारा कुछ डिटेल बात करेंगे। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे दोस्तों, तो पिछले महीने ही होंडा ने यहाँ पे होंडा टू व्हीलर ने खुलासा किया है कि वह भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की योजना पर काम कर रही है। यह जानकारी सामने आई है, होंडा अपनी एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर को इलेक्ट्रिक वर्जन में लॉन्च करने जा रही है। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया 2023 तक एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर सकती है। होंडा के मुताबिक आगामी इलेक्ट्रिक स्कूटर अगले वित्तीय वर्ष तक यहाँ पर लॉन्च करने की तैयारी की गई है। आइए सबसे पहले गाड़ी का एक फर्स्ट लुक आपको दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हैं व्हाइट कलर का गाड़ी दोस्तों, ये होंडा का इलेक्ट्रिक स्कूटर है। आगे में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, हेडलाइट देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे हेडलाइट दिया हुआ है अलग डिजाइन के साथ। दो लोग यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं, हेलमेट पहन करके देख सकते हैं गाड़ी में काफ़ी अच्छा है। व्हाइट कलर का गाड़ी काफ़ी सुंदर है, स्पीड के मामले में बहुत ही अच्छा खासा स्पीड दिया गया है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो बात करते हैं होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के अध्यक्ष अत्युसी ओगाटा ने होंडा की नई इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की योजना का खुलासा किया है। ओगाटा ने कहा है कि होंडा एक्टिवा वर्तमान में भारत में सबसे अधिक बिकने वाला स्कूटर है। होंडा के लिए अपने आगामी इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए इसी नाम का उपयोग करना तर्कसंगत है, इससे उपभोक्ता के लिए ब्रांड से जुड़ना आसान हो सकता है क्योंकि एक्टिवा ब्रांड एक विश्वसनीय ब्रांड है। जी हाँ दोस्तों, बता दें एक्टिवा एक बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय ब्रांड है और ज़्यादा बिकने वाला स्कूटर है। वहीं बात करें, हालांकि यह स्पष्ट नहीं होता है कि होंडा जो है भारतीय बाजार के लिए एक बिल्कुल नया इलेक्ट्रिक स्कूटर विकसित करेगी या फिर अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद लाइनअप से अपने मौजूदा इलेक्ट्रिक स्कूटर को थोड़ा संशोधित कर संकरण यहाँ पर उपयोग करेगी, लेकिन वर्तमान में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया भारत में बैनली इलेक्ट्रिक स्कूटर पर परीक्षण कर रही है और स्कूटर को ऑटोमोटिव रिवर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया में द्वारा यहां पे जो है सो देखा गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो बैनली इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें तो होंडा जापान में इलेक्ट्रिक स्कूटर के चार अलग अलग मॉडल में पेश किए। इन वेरियंट की बात करें तो बैनली ई है, उसके बाद आपको बता दें बैनली ई एल प्रो है, उसके बाद बैनली ई डबल एल और बैनली ई डबल एल प्रो शामिल यहाँ पे किया गया है। इस तरह से टोटल चार मॉडल यहाँ पे लॉन्च किया गया है। आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो जापान में बैनली इलेक्ट्रिक स्कूटर को रेंज मुख्य रूप से कमर्शियल और फ्लीट सेगमेंट में लास्ट मिल डिलीवरी के उपलब्ध के लिए की गई है। इस स्कूटर में आपको बता दें पावर ट्रेन हाईवेयर का उपयोग किया गया है। वहीं फ्रेंडली इलेक्ट्रिक स्कूटर को पावर देने के लिए भी किया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे चूंकि बैनली इलेक्ट्रिक स्कूटर का परीक्षण पहले से ही किया जा रहा है, इसलिए यह माना जा सकता है कि यह इलेक्ट्रिक स्कूटर आगामी होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर की नींव रखेगी। इसके अलावा होंडा के अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद पोर्टफोलियो में अन्य इलेक्ट्रिक स्कूटर भी शामिल है। इसमें होंडा PCX इलेक्ट्रिक और होंडा जायरो इलेक्ट्रिक स्कूटर भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो होंडा की पहले ही ईवी क्षेत्र में बड़ी योजना है और कंपनी ने हाल ही में बैटरी पैक बनाने के लिए कई नई सहायक कंपनी की स्थापना की है। नई सहायक कंपनी का गठन 133 करोड़ रुपए के पूंजी के साथ यहाँ पे किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो अगले तिमाही में जो है सो होंडा का एक्टिवा इलेक्ट्रिक वर्जन में लॉन्च होने जा रहा है, जहाँ पे दोस्तों होंडा का एक पहले से ही पेट्रोल वाला गाड़ी आ रहा है, उसी का इलेक्ट्रिक वर्जन यहाँ पे लॉन्च करने जा रहा है। प्राइस के बारे में कोई भी खुलासा कंपनी नहीं किया है, ना ही माइलेज के बारे में किया है, लेकिन जान लीजिए दोस्तों होंडा कंपनी का है, ब्रांडेड है, तो इसका प्राइस भी अच्छा खासा होगा। और आपको बता दें यहाँ पे सिंगल चार्ज में चलने का भी जो कैपेसिटी है वो भी यहाँ पे ज़्यादा होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।